शिव, रुद्र, महेश, भोले, शंकर आदि कई नामों से मशहूर है मेरा महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहला, महाकाल। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में से पहला अवतार महाकाल माना जाता है। इस अवतार की शक्तिपीठ माता काली मानी जाती हैं। उज्जैन में ही गढ़कालिका क्षेत्र में माँ काली का प्राचीन मंदिर है और महाकाली का मंदिर गुजरात के पावागढ़ में है। दूसरा, तारा। शिव के रुद्र अवतार में दूसरा अवतार तारा नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार की शक्ति तारा देवी मानी जाती हैं। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में स्थित द्वारका नदी के पास महाशमशान में स्थित है तारापीठ। रामपुर हॉल्ट स्टेशन से 4 मील दूरी यह पीठ स्थित है। देवों के देव महादेव का तीसरा अवतार बाल भुवनेश्वर का है। इस अवतार की शक्ति को बाला भुवनेशी माना जाता है। 10 महाविज्ञा में से एक माता भुवनेश्वरी का शक्तिपीठ उत्तराखंड में है। नारद गंगा के नजदीक शक्ति माँ भुवनेश्वरी का मंदिर स्थित है। यहीं पर भगवान वेद व्यास जी ने बैठकर देव पुराण लिखे थे। भगवान शिव का चौथा अवतार पोड़स श्री विघेश है। इस अवतार की शक्ति देवी पोड़सी श्री विज्ञा मानी जाती हैं। 10 महाविज्ञाओं में से तीसरी महाविज्ञा भगवती पोड़सी हैं। इन्हें तृतीय भी कहते हैं। त्रिपुरा में राधा किशोरी गांव में माता बाणी पर्वत शिखर पर माता का दाया पांव गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी और भैरव को त्रिपुरेश कहते हैं। भगवान शिव के 5वें रुद्र अवतार का नाम भैरव है, जिन्हें भैरव कहा जाता है। इस अवतार की शक्ति भैरवी गिरजा मानी जाती हैं। उज्जैन के श्रीपा नदी के तट पर स्थित भैरव पर्वत पर माँ भैरवी का शक्तिपीठ माना गया है, जहाँ उनके ओठ गिरे थे। किंतु कुछ विद्वान गुजरात के गिरनार पर्वत के सत्री घाट पर्वत को वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं, लेकिन दोनों स्थानों को शक्तिपीठ की मान्यता है। 6. भगवान शिव का 6वां अवतार छिद्रमस्तक नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार की शक्ति देवी छिद्रमस्ता मानी जाती हैं। छिद्रमस्तिका मंदिर तांत्रिक पीठ है। 10 महाविज्ञाओं में से एक माँ छिद्रमस्तिका का विख्यात सिद्धपीठ झारखंड की राजधानी रांची से 75 किलोमीटर दूर रामगढ़ में है। माँ का प्राचीन मंदिर नष्ट हो गया था, अतः नया मंदिर बनाया गया है, किंतु प्राचीन प्रतिमा आज भी यहाँ मौजूद है। भैरवी नदी के संगम पर स्थित इस पीठ को शक्तिपीठ माना गया जाता है। 7. शिव के 7वें अवतार का नाम धूम्रवन है। इस अवतार की शक्ति देवी धूम्रवती हैं। धूम्रवती मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में स्थित है। पूरे भारत में माँ धूमावती का एकमात्र मंदिर है, जिसकी मान्यता भी अधिक है। 8. शिव का 8वां रुद्र अवतार बगलामुख नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार की शक्ति देवी बगलामुखी माना जाता है। 10 महाविज्ञाओं में से एक बगलामुखी के 3 प्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं। पहला, हिमाचल प्रदेश के कंकड़ा में स्थित बगलामुखी मंदिर। दूसरा, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित बगलामुखी मंदिर। तीसरा, मध्य प्रदेश के शाजापुर में स्थित बगलामुखी मंदिर। इसमें हिमाचल के कंकड़ा को अधिक मान्यता है। शिव का 9वां अवतार मतंग नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार की शक्ति देवी मतंगी हैं। मतंगी देवी अर्थात राजमाता 10 महाविज्ञाओं की एक देवी हैं। मोहकपुर की मुख्य अधिकृष्टा है। देवी का स्थान झबुआ के मोढ़ेरा में है। 10. शिव के 10 प्रमुख अवतारों में से 10वां स्थान
कमल नाम से विख्यात है। इस अवतार की शक्ति को देवी कमला माना जाता है। कमला देवी मंदिर महाराष्ट्र के करमाला में स्थित है। इसी प्रकार भगवान शिव के 11वें अवतार का नाम हनुमान है।